आमतौर पर फिट रहने के लिए डॉक्टर एक्सरसाइज की सलाह देते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसी दुर्लभ बीमारी भी है जिसमें ज़्यादा एक्सरसाइज करना जान पर आफत ला सकता है। BHU के एक छात्रा के साथ पिछले दिनों ऐसा ही हुआ, जिसके बाद एक बार फिर से इस दुर्लभ बीमारी टकायासु आर्थराइटिस पर चर्चा शुरू हुई। BHU के आयुर्वेद संकाय के प्रोफेसर डॉक्टर KN द्विवेदी ने बताया कि इस दुर्लभ बीमारी में नसें सूज जाती है और सूजन के बाद वो सिकुड़ने लगती है, जिससे नसों से रक्त बाकी हिस्सों तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाता, जिससे महाधमनी को नुकसान होता है और हार्ट फेलियर की संभावना भी ज़्यादा होती है। टकायासु डिजीज ऐसी होती है जिसमें हार्ट से निकलने वाली जितनी आर्टरीज होती हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। इन्फ्लेम्ड जब हो जाएंगी यानी मोटी हो जाएंगी तो क्या होगा, उनके भीतर सर्कुलेशन कम होगा, तो वो सर्कुलेशन कहाँ कहाँ जाता है, तो हार्ट इटसेल्फ, हार्ट में भी जाता है, ब्रेन में भी जाता है, पूरे शरीर में जाता है। और उसके अलावा जब पूरा हार्ट जब कंप्रेस करेगा और उसमें पूरी ब्लड जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो हार्ट में थोड़ा ब्लड रह जाएगा तो वो हार्ट में भी एंगॉर्जमेंट हो जाएगा। इस बीमारी में ज़्यादा वार्म अप या एक्सरसाइज करना भी जानलेवा हो सकता है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों को तब तक ही वार्म अप करना चाहिए जब तक उनके माथे या नाक पर पसीना ना आ जाए। बता दें कि हर साल भारत में इस दुर्लभ बीमारी के कारण 2 से 3 लोगों की मौत होती है। इस बीमारी के केस अभी तक सिर्फ भारत सहित 4 देशों में ही रिपोर्ट किए गए हैं। डॉक्टरों की माने तो ये बीमारी क्यों होती है इसका कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बता दें कि बीते मंगलवार को BHU के आयुर्वेद संकाय की शोध छात्रा अनुभा पांडे की योग के दौरान अचानक गिरने से मौत हुई थी। अनुभा की परिजनों की माने तो वो भी इस दुर्लभ बीमारी टकायासु आर्थराइटिस से पीड़ित थी।